मैं उमर सिंह पाकिस्तानी मलेशिया में मुकीम हूँ। इधर मेरे साथ एक पाकिस्तानी ने 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया, 64,49,000 रुपया इसको मैंने पाकिस्तान इसकी वाइफ और इसके अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन की जो मेरे पास मौजूद है। इसने मुझे धोखा और मेरे साथ फ्रॉड किया। इसने मुझे कुछ वीज़े दिए जो मेरे कज़न और मैं अपने दोस्तों के लिए लिए। इसने बोला मेरी कंपनी के पास कोटा है, आप वीज़े ले लें। मैंने ज़्यादा इतमाद इसलिए किया कि ये कंपनी का मालिक है, ये कैसे फ्रॉड करेगा। इसने बोला एक महीना के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा। जब भी इसको पेमेंट की, इसने बोला जी ये एविडेंस तब आएंगे जब सब की पेमेंट क्लियर करेंगे। इसने मुझे बार बार ब्लैकमेल और हरासा किया और मुझे हर रोज़ परेशान किया। इसने जो एविडेंस दिया ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया का, जब इसने अपनी रकम क्लियर कर ली तो इसने जो एविडेंस दिए वो सब फेक थे। तो जो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के, इसने मेरे पासपोर्ट लिया वो भी मुझे नहीं वापस कर रहा। तो मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में भी गया हूँ, मेरी उधर भी किसी ने मदद नहीं की। मैं हर चीज़ हर एविडेंस दिया मलेशिया एम्बेसी में, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है इधर, उन्होंने मुझे बस एक लेटर दिया है और कोई हेल्प नहीं की। 2 महीना हो गया है, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं। उन्होंने बोला कि बस हमें आपका केस एफ आई को भेज दिया। मैंने पाकिस्तान से इसको 64,49,000 रुपये की ट्रांजेक्शन की और मैं इधर 20,000 रिंगर इसको बाई हैंड अदा किया, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मेरा खुदारा अपील है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अपील है और फॉरेन मिनिस्टर साहब से अपील है कि खुदारा मैं इधर बहुत फंस के रह गया हूँ कि मुझे इतना इसने परेशान किया हुआ है, हर रोज़ ब्लैकमेल और धमकियाँ देता है, तो मैं बहुत मजबूर हूँ। तो मेरी खुदारा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के अदालत की तरफ देख रहा हूँ कि ये मुझे हर रोज़ ब्लैकमेल और हरासा करता है, बार बार बोलता है कि मैं आपको पुलिस में पकड़वाऊँगा। तो मैं अपने पाकिस्तान के अदालत की तरफ देख रहा हूँ, मैं मीडिया के तवसल से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा मेरी आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान के अदारों तक पहुँचाएँ। और मैं जो 80 लाख रुपया दिया है और मेरा पासपोर्ट जो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए इसने लिया हुआ, 4 मंथ हो गए, ये मुझे वापस नहीं कर रहा, हर रोज़ ब्लैकमेल और हरासा और मुझे धमकियाँ देता है। तो मेरी खुदारा पाकिस्तान के अदारों से अपील है कि मेरा पासपोर्ट वापस करवाएं और जो मैंने इसको पाकिस्तान ट्रांजैक्शन की है वो मुझे वापस करवाएं, मेरी हेल्प करें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं आपसे अपील ही कर सकता हूँ।